तैयार हो रहा है, हलवा बन रहा है, सब्जी बन चुकी है, पूरियां बन गई और पूजा का टाइम हो चुका है। पूजा करेंगे, पूजा करेंगे और जिसको भी खाना है हलवा तो सबके घर में बन रहा है नहीं है ना, हलवा खाओ, अपने अपने घर में जाके हलवा बनाओ पर खाओ, सभी जन आ गया आज और माता का प्रसाद। चलो जी थोड़ी देर में मिलते हैं, पहले खाना बना लेते हैं, खाना बना के जब मिलते हैं जब पूजा होगी, अब पूजा करने का टाइम है। चेकआउट पे देखे तुमने मेरे को? या ये मेरे पति देव है, देखो हम दोनों येलो येलो हो रहे हैं, होली अष्टमी के दिन। और मैंने चुन्नी उतार दिया क्योंकि भैया चुन्नी से बहुत गर्मी लग रही है ना भाई, चुन्नी से गर्मी लग रही है। बोलो बोलो कुछ बोलो और फिर मैं कैमरा उधर कर दूंगी, फिर हाँ हमारी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, बोलो बोलो पति बाबू। पर देखते तो आपकी 20 लोग ही हैं। कपड़े बदल ले जा, सब कपड़े बदल और जाके किचन में काम कर, है ना, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो पति बाबू का होता है ना, ये तो मेरे लवारों का है, ये तो जो रायता खिंडाया उनका है। तो भाई बोलो 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 कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो बोलो बोलो, चीता ही कहते हैं, कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो बोलो। ये बोलेंगे जब मैं कैमरा बंद कर दूंगी ना, जब बोलेंगे तो, इसलिए मैं ही बोल लेती हूँ, ठीक है। तो देखो ये साड़ी मेरी 18 साल पुरानी साड़ी है मेरी, सच्ची में ये 18 साल पुरानी है, ये मेरा पीलिया भी 18 साल, जाहिर सी बात है जितने साल का मेरा लमड़ा उतने साल की पहले ही ये वाली साड़ियाँ चलती थी, दबके की कढ़ाई वाली, आज भी प्यारी लगती है वैसे साड़ी, है ना, आज भी बहुत प्यारी लगती है गाइज ये वाली साड़ी। तो मेरा फुल लुक देखो, औलाद दिखा नहीं रही, मैं दिखा रही हूँ फुल लुक देखो, और बताओ ना कमेंट करके, जो तुम करते नहीं हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। अब मिलेंगे शाम को, मम्मी गई हुई है कहीं, हाँ मम्मी घूम रही है कहीं, जब माता जी आ जाएगी, ठीक है जी, तो शाम को मिलेंगे, अभी हम बना लेते हैं रोटी, पति बाबू के हुक्म आ चुके हैं, दोपहर की पूजा हुई है अभी, आपने देखा माता रानी जी, तो खाना वाना हो चुका है, खाना वाना खा के अब हम अभी मैं ऊपर आई हूँ, बर्तन वर्तन साफ उफ करके खाना वाना खा के, तो बताओ ना कि आप लोगों की होई कैसी गई, हमारी तो बहुत अच्छी गई, और देखो साड़ी उतारने साड़ी के बाद फिर मैंने ये वाला सूट डाला था, बहुत प्यारा सूट है, बैक पे भी कढ़ाई है इसके बहुत, और ये इसकी चुन्नी है, ये मम्मी ने दिया था मेरे को करवे पे, मेरी सास ने, और ये पोल्यूशन की वजह से ना गला बहुत ख़राब हो रहा है, जुकाम भी बहुत गंदा हो गया, पोल्यूशन इतना गंदा पोल्यूशन हो रहा है ना, बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो गला ही में दर्द बताते हैं, तो इसलिए भैया इस पोल्यूशन से सब ध्यान रखो इस पोल्यूशन का, कि मास्क लगा के जाओ, अब और तो कोई वो है नहीं, और इस मास्क तो ज़रूर लगाओ, लेकिन ना थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाया करो रात के टाइम, चाहे दूध के साथ खाओ चाहे गर्म पानी के साथ, थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ खा लिया करो थोड़ा सा, कोई बोला भी नहीं जा रहा, खांसी और जुकाम की वजह से, ऊपर से फास्ट भी था। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बता दिया करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो, और आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लो ना भाई, वैसे तो प्लीज़ कर लो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हाँ
मम्मी भी गई हुई थी कहीं, तो आ जाई हैं। उस दिन तो तबीयत खराब थी ना करवे वाले दिन, तो इसलिए मम्मी ने अपनी वीडियो नहीं बनवाई भाई, आज बनवाई है। तो आज मम्मी की वीडियो भी बनी है। मम्मी वही वाले दिन पूजा करते हैं ना दोनों ही, दोनों क्या मम्मी ही करती है, क्योंकि भाई बड़ी तो मम्मी है ना, तो इसलिए मम्मी पूजा करती है। मैं खाना, हम खाना वाना बना बनू के देते रहते हैं। तो सबको होई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। सबके बच्चे, सबके बच्चे क्या, सबका पूरा परिवार खुश रहे और सब खुश रहो अपने परिवार में। तो सबको बाय।